बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रियाज हुसैन और तुसी देख रहे हो चन्नर्स रेडियो दा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज दी वीडियो दा मौजू आ कि सानू मौसमी मक्की किस टाइम काश्त करनी चाहिए, ऐसा केड़ा मौसम आ कि असी अगर मौसमी मक्की नू काश्त करिए इस टाइम ते और असी ओहदी अच्छी तों अच्छी पैदावार लै सकीए। दोस्तों बेसिकली दो किस्म दे फार्मर ने साडे, कुछ फार्मर ने जिन्हां नू मक्की काश्त करके अगे आलू काश्त करने ने और दूसरी किस्म के फार्मर ने जिन्ना मक्की काश्त करके उस तो बाद गंदम काश्त करनी। लिहाजा जेडे दो हज़रात साढ़े जिन्होंने आलू काश्त करने उन्होंने मक्की काश्त कर लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने को टाइम शार्ट होंगे इस वास्ते, क्योंकि ज़्यादातर आलू वाले फार्मर मक्की सहले जल कटते हैं क्योंकि अगर वो उसू पका वाली साइड से जा आलू लेट हो जाते हैं। लिहाजा आलू वाले फार्मर मक्की काश्त कर लेनी चाहिए। दूसरे फार्मर ने साडे जिन्हां ने मक्की काश्त करन तों बाद मक्की की कटाई तों बाद गंदम काश्त करनी, लिहाजा उन्होंने मशवरा देंगा कि वह अर्ली काश्त विच ना आण क्योंकि अर्ली काश्त विच एक तो जर्मीनेशन में फर्क आ जाता, बाकी टैंपरेचर ज़्यादा होने की वजह तो फाल आर्मी वर्म सुंडी उहदा अटैक बहुत ज़्यादा आ जाता, उन्होंने अखराजात वध जाते हैं, फिर पानी की भी ज़्यादा जरूरत पैंदी है। इस वास्ते उन्होंने दोस्तों मशवरा देंगा जिन्हां ने मक्की काश्त करन तों बाद उहदी कटाई तों बाद गंदम काश्त करनी, उन्हां दोस्तों नूं मशवरा देंगा कि वह 20 जुलाई तों बाद मक्की काश्त करन। 20 जुलाई तों बाद मक्की काश्त करन दा इह फायदा होगा, एक तो जिहड़ी अजकल लोग मक्की काश्त करन उन्हां दी निस्बत उहदी एवरेज भी अच्छी आएगी, बाकी उस टाइम टैंपरेचर काफ़ी डाउन हो जाता है इस वास्ते उस ते फाल आर्मी का भी कम तो कम चांस होंदा और उहदे उत्ते यूरिया का भी बहुत घट खर्च होंदा क्योंकि अजकल जिहड़े असीं मक्की काश्त करनी उहदे यूरिया भी ज़्यादा इस्तेमाल होना है और पानी भी सानू वक्तन फवक्तन लगाए रखना पवना क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इस वास्ते सानू छठे सत्तवें दिन से पानी लैके आना पवना। लिहाजा अगर असीं 20 जुलाई तो बाद मक्की काश्त करने हैं, 20 जुलाई तो बाद तुसीं अगस्त 15 तक मक्की काश्त कर सकते हो, बेहतरीन मौसम है। एक तो वह मक्की काश्त करांगे उस टाइम मौसम ठीक हो जाता, उस टाइम फाल आर्मी का भी अटैक बहुत घट आ जाता और पानी का खर्चा भी बहुत घट जाता। इस वास्ते सानू जिन्हां दोस्तां ने गंदम काश करनी है उन्हां नू अर्ली काश दे विच नहीं आना चाहिए, उन्हां दे वास्ते बेहतरीन टाइम है कि जुलाई 20 तो बाद अपनी मक्की काश करें। हाँ, तीन चार किस्म की वरायटियां चल रही हैं, उन्हां दी कोई वरायटी भी काश कर सकते हो, जिस तरह पानीयर दी P4040 है, मानसेंटो की 8148 है और एफसन सीड कंपनी है साढ़े पाकिस्तान की, उन्हां दी 5266 है और सोनी धरती जिहड़ी साढ़ी पाकिस्तानी कंपनी उन्हां दा 626 है। यह मेन वरायटियां ने जिन्हों लोग ज़्यादा काश्त करते हैं और पसंद भी करते हैं। यह 626 और 5266 ऐसी वरायटी है जिन्होंने तुम सैलाजल भी जा लैके जा सकते हो और पका भी सकते हो, ये दोनों साइडा से अच्छा परफॉर्म कर दिया ने, अच्छी एवरेज दे दिया ने। लिहाजा तमाम दोस्तों इस चीज़ की मैं गुजारिश करा कि वह जिन्हें दोस्तों ने गंदम काश्त करनी है वह मक्की की अर्ली काश्त ना, वो 20 जुलाई तो बाद मक्की काश्त करन ताकि वह अपनी एवरेज भी अच्छी लै सकन और टाइम उन्होंने कोल अगे गंदम काश्त करन दा बच जाना और वो एवरेज भी अच्छी लैणगे और खर्चा भी उन्होंने कम तो कम होगा। तमाम दोस्तों गुजारिश है अगर मेरी वीडियो पसंद आई होनू लाइक से शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज़।